मनोज जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, क्या आशा और उम्मीद थी? देखिए, सीधी सी बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने हमारे बेल पिटीशन को, जो हमारी एप्लीकेशन थी, उसको नामंजूर किया है और कहा है कि हाई कोर्ट से कहेंगे कि मामलों को एक्सपेडाइट करें तेजी से। लेकिन हमारी सिर्फ एकमात्र दलील थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको किसी बेहतर जगह पर क्रिटिकल मेडिकल केयर की ज़रूरत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय शायद उससे इत्तफाक नहीं रखते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, हम इसके प्रति सम्मान रखते हैं। बावजूद इसके मैं कहूँगा कि जो परिस्थितियाँ हैं उनके स्वास्थ्य की, उनको केयर की ज़रूरत है। जाहिर तौर पर फिर से देखेंगे तमाम, एक एक्सपेडाइट करने वाली बात भी कही है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको भी देखा जाए, यही हमारी टिप्पणी। सीबीआई ने कहा है कि अगर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी तो वो इस दौरान रिम्स में भर्ती थे, 158 लोगों से मिले हैं, उसके बाकायदा उन्होंने पुख्ता सबूत सीबीआई ने पेश किए। देखिए, सीबीआई की कार्यशैली पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, करूँगा तो बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। मामला सर्वोच्च न्यायालय का है, सम्मान से सर झुकाते हैं। ये कहते हुए कि उस व्यक्ति को रिम्स के ही डॉक्टरों से पूछ लीजिए कितने मेडिकल केयर की ज़रूरत है। रही बात सीबीआई के मनसा वाचा कर्मणा और कार्यशैली की, तो उस पर ना कहूँ तो उचित है।